सभी का चैनल पे स्वागत है। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि हम लोग आज कर रहे हैं एक जो टेलीस्कोप है उसका अनबॉक्सिंग, जो है रिफ्रैक्टर मॉडल। रिफ्रैक्टर मॉडल क्या होता है वो मैं आपको बाद में समझाता हूँ, जब टेलीस्कोप दिखाऊंगा तब। तो अभी मॉडर्न टेलीस्कोप में हूँ, मेरे साथ है शुक्ला सर। तो सर को बोलता हूँ कि सर इसका अनबॉक्सिंग कर दीजिए, जो बॉक्स बहुत सारे बॉक्स पड़े हुए, सभी टेलीस्कोप पूरा जो गोडाउन पूरा भरा हुआ है टेलीस्कोप से। तो स्पेसिफिक मॉडल जो है, सर ने मुझे बोला कि ये वन ऑफ द बेस्ट है और डबलेट रिफ्रैक्टर है। तो सर को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। लव लेटर है तो इसमें है काउंटर वेज। ओके, ये जो है वो ट्राइपॉड है। ओके, एंड इसमें है इक्वेटोरियल वेज। सो पहले से ट्राइपॉड ओपन करते हैं। अब ट्राइपॉड जो है काफ़ी हेवी क्वालिटी में है और ऐसे कुछ पहले में बंधा हुआ चीज़ है वो बाद में दिखाता हूँ। तो इसमें ये ट्राइपॉड काफ़ी हेवी है, स्टेनलेस स्टील का ट्राइपॉड आता है यहाँ पे। ये इक्वेटोरियल बेस में है ना, इक्वेटोरियल माउंट पे, तो ये काउंटर वेट है इक्वेटोरियल का। इसमें हमको माउंट आने वाला है, माउंट का जो बेस है जिसमें टेलीस्कोप हमारा माउंट होने वाला है। सो ये इसका इक्वेटोरियल बेस है, इक्वेटोरियल वेज। ओके, बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है एंड बहुत स्टडी है। जब आप ऑब्जर्वेशंस करोगे तो आपको समझ में आएगा ये कितना अच्छा माउंट है। ये रही टाइप है तो काफ़ी स्मूथ लग रहा है मुझे, ये बहुत सही है, प्रेशर का है। तो हमको ये स्लो मोशन नॉब्स मिलती है ये जो, और इसमें ये शाफ्ट है काउंटर वेट लगाने के लिए, शाफ्ट है माउंट के नीचे। तो यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये ट्यूब, बाद में दिखाता हूँ। इसके साथ आपको एक एडिशनल अटैचमेंट मिलता है जिसे सोलार फिल्टर है, और ये 1000 ओक का सोलार फिल्टर है। तो इसमें सर आपको रेडिश दिखेगा, ऑरेंजिश दिखेगा। तो ये एडिशनल अटैचमेंट आता है ये टेलीस्कोप के साथ, और मेरा दिल से एकदम खुश हो गया इसको देख के क्योंकि काफ़ी बड़ी ट्यूब है और ये डबलेट में आता है। हाइट ऑलमोस्ट 6 फीट है, और ये जो हाइट आप देखोगे तो कैन से कि 4 फीट, 4 फीट के आसपास का इसका हाइट या लेंथ पकड़ लो। हाँ, यस, ब्रेसर का ये स्पेशल मॉडल है डबलेट में। तो हमने अभी जो अनबॉक्सिंग किया टेलीस्कोप यही था, और ट्राइपॉड वाइपॉड तो यार कॉमन था कि सभी टेलीस्कोप के साथ। अभी जो सर के पास जो कुछ भी टेलीस्कोप अवेलेबल है, मतलब आप बेसिक लो या फिर आप एडवांस लो, तो उसके अकॉर्डिंग वन ऑफ द बेस्ट ट्राईपॉड हर एक चीज़ के साथ आ रहा है। इसके साथ भी जो ट्राईपॉड आ रहा है काफ़ी स्टर्डी है, जैसे आपने मैंने पहले ही दिखाया। तो इससे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे ये ट्यूब लगी, और मैं देख के पागल हो गया लिटरली बोलूँ तो। मेरे हिसाब से मैं रिफ्रैक्टर को ज़्यादा अहमियत नहीं देता था, लेकिन ये रिफ्रैक्टर मैं देख रहा हूँ यार, मुझे बहुत पसंद आया। लेंथ वाइज ज़्यादा है ठीक है, लेकिन प्लानिटरी और डीप स्काई के लिए बहुत अमेजिंग चीज़ लगी मुझे। ब्रेसर का ब्रांडिंग है, ब्रेसर में इसका जो एक्रोमेटिक रिफ्रैक्टर है, एक्रोमेटिक है तो क्रोमेटिक एब्रेशन बहुत कम मिलने वाला है, और 102 mm का इसका प्राइमरी अपर्चर है। मैं ट्राई करता हूँ, अगर मुझसे हो सकता तो निकलता हूँ, नहीं निकल रहा है, थोड़ा सा इन्होंने लगा लिया। लेकिन प्राइमरी जो इसका अपर्चर बोलता हूँ, ये जो प्राइमरी लेंस है तो दैट इज़ 102 mm का है। यार मेरा तो आई कैन से कि मेरा जो टेलीस्कोप है स्काई वॉचर का, उसका जो अपर्चर है वो 90 mm है, उससे बड़ा वाला इसका अपर्चर है प्राइमरी। और इसका जो फोकल लेंथ है 1000 mm, तो यू कैन इमेजिन कि एक बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है प्लानिटरी एज वेल एज डीप स्काई। और एक्रोमेटिक है तो बहुत मस्त टेलीस्कोप है। और ये यहाँ पे इसका फोकसिंग नॉब जो है काफ़ी स्मूथ है, 2 inches का मुझे लग रहा है, लेकिन इन्होंने कुछ अटैचमेंट्स भी दिए हैं तो आप 1.25 inch का आईपीसीस भी इसके ऊपर लगा सकते हो। ये
सवा इंच का आईपीस है, इसके ऊपर आप 2 इंच का भी माउंट कर सकते हो आपको करना है तो। मेन टेलीस्कोप बोलो तो यहाँ से यहाँ तक है, और यहाँ पे यहाँ से आगे जो है ड्यू शील्ड है के साथ क्या क्या अटैचमेंट मिलती है। पहला तो हमको मिलता है ये 90 डिग्री का डायगोनल है, मैं खोलूँगा नहीं, डायगोनल क्या होता है वो आप देख लो बाद में। उसके बाद 2 आईपीसेस है, तो पहला आईपीस मेरे हिसाब से फुल्ली मल्टी कोटेड प्लॉसल में 25mm का जो है वो मिला है, और सेकेंड मेरे हिसाब से 10mm का रहेगा। यस, ये भी प्लॉसल है, फुल्ली मल्टी कोटेड 10mm का आईपीस, सो ये प्लानिटरी के लिए बेस्ट होने वाला है। और इसे आप मून या फिर डीप्स का ऑब्जर्वेशन करना है या फिर टेलीस्कोप आपको सबसे पहले सेट करना है तो 25mm का आईपीस लगा के ही सेट करना। ओके, उसके बाद इन्होंने प्रोवाइड किया है बारलो लेंस है, 3x बारलो है, ठीक ठाक एवरेज क्वालिटी का है। रेड डॉट फाइंडर यहाँ पे लग जाएगा, तो रेड डॉट फाइंडर स्कोप आता है इस ब्रेसर के टेलीस्कोप के साथ। और इसके साथ आपको मिलता है एक मोबाइल अडाप्टर, जो अगर आपको फोटोग्राफी करनी है मोबाइल लगा के तो ये काफ़ी यूज़फुल होता है। मैं भी यही अडाप्टर यूज़ करता हूँ मेरे टेलीस्कोप के साथ, तो इसके साथ आपको ये भी मिल रहा है। तो काफ़ी अमेजिंग चीज़ मुझे देखने के लिए मिली और मुझे बहुत पसंद है। फ्रेंकली बोलो तो लेने का दिल कर रहा है, लेकिन कंट्रोल करना पड़ता है, मेरे घर में इतना जगह नहीं और जेब में इतने पैसे लेके सब चीज़ें मैं लेके जाऊँ। लेकिन दोस्तों ये आपके लिए अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ क्योंकि आपका एक्सपीरियंस अच्छा हो, आपका बाइंग डिसीजन परफेक्ट हो, इसीलिए आपके लिए अनबॉक्सिंग चल रहा है पूरा ये टेलीस्कोप का। और मैं थैंक कर रहा हूँ मॉडर्न टेलीस्कोप को कि सर ने मुझे ये चांस दिया और ये टाइम दिया कि आके कर लो। और हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए भी डिस्काउंट कूपन सर ने जारी कर दिया, तो मुझे इंस्टा पे DM कर दो तो मैं आपको दे दूँगा। तो ओवरऑल अच्छा पैकेज लगा, वन ऑफ द मैं हमेशा रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप की तारीफ करता हूँ, लेकिन आज मैं ये रिफ्रैक्टर की भी तारीफ करूँगा क्योंकि बहुत कलर वाइज भी सही है, स्पेसिफिकेशन भी बहुत सही है। और इसका प्राइसिंग क्या है मैं आपको स्क्रीन पे दे देता हूँ, मुझे एग्जैक्टली अभी प्राइसिंग पता नहीं है, बट प्राइसिंग स्क्रीन पे आपको दिख जाएगी, डिस्काउंट आपको मिलेगा डेफिनेटली इस पे मिलेगा। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव था, और इसके बारे में और डिटेल जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, क्योंकि ये काफ़ी कम लोग यूज़ करते हैं टेलीस्कोप, तो डेफिनेटली काफ़ी कम लोगों के पास इसका एक्सपीरियंस है, या फिर किसी के पास बहुत कम लोगों के पास है ये टेलीस्कोप का एक्सपीरियंस, तो कमेंट कर देना। तो डिटेल जानकारी चाहिए तो मैं दे दूंगा। उसके अलावा मॉडर्न टेलीस्कोप की वेबसाइट आपको मिल जाएगी, ये तो आप सर से बात कर लो या फिर चैट करके भी इसके बारे में जानकारी ले लो। ओवरऑल मस्त पैकेज। तो चलो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, उसके पहले अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही दूसरे टेलीस्कोप के साथ।